मैंने उसको गाली देते हुए सुना। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कि मैंने किसी को कुछ करते हुए सुना या कुछ बोलते हुए सुना। जैसे मैंने उसे गाली देते हुए सुना, मैंने उसे खर्राटे लेते हुए सुना, मैंने उसको झूठ बोलते हुए सुना, मैंने उसे शिकायत करते हुए सुना। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, हर्ड, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि मैंने उसे गाली देते हुए सुना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I heard him abusing, यानी मैंने उसको गाली देते हुए सुना, मैंने उसे खर्राटे लेते हुए सुना। I heard him snoring, यानी मैंने उसे खर्राटे लेते हुए सुना, मैंने उसको झूठ बोलते हुए सुना। I heard him telling a lie, मैंने उसे सच बोलते हुए सुना। I heard him speaking truth, मैंने आपको शिकायत करते हुए सुना। I heard you complaining, मैंने आपको एक गाना गाते हुए सुना। I heard you singing a song, मैंने आपको मजाक करते हुए सुना। I heard you joking, मैंने आपको कुछ करते हुए सुना। I heard you doing something। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपको अपने लाइफ में कहना हो कि मैंने किसी को कुछ करते हुए सुना या जाते हुए सुना, खाते हुए सुना, शिकायत करते हुए सुना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सब्जेक्ट, हर्ड, ऑब्जेक्ट के साथ जीरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आपने भी किसी को कुछ करते हुए सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।